फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री और फैक्टर फोर, चार फैक्टर। हमारी बॉडी को चार हिस्सों में बांट दिया उन्होंने और बड़ा अच्छा रिसर्च किया। चार हिस्से, हमारा अपर पार्ट फैक्टर वन, क्वालिटीज ऑफ द ब्रेन, फैक्टर टू दिल द मामला, क्वालिटीज ऑफ द हार्ट, फैक्टर थ्री क्वालिटी ऑफ द गट्स एंड फैक्टर फोर द क्वालिटी ऑफ द लिम्स, हमारे हैंड्स लेग्स। ये चार जो चीज़ें उन्होंने कर दी, इससे बड़ा फायदा हो गया कि हम अब जो एसेसर्स हैं एसएसबी में, वो बड़ा सिंपल हो गया हमारे लिए। वी नो ये ब्रेन है, ये हार्ट है, ये गट्स है, ये लिम्स है। तो एक बॉडी को चार भागों में डिवाइड कर दिया गया। बिकॉज यू सी असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव। आई कांट से लड़की का सर पाँच नंबर का है, इसके धड़ चार नंबर का है, पैर छः नंबर का है, आई कांट से दैट। इट्स सब्जेक्टिव, आई एम सीइंग इट एज अ होल। तो उस सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में करना एक बहुत बड़ी कला है कि आप पर्सनैलिटी को, हम लोग मार्क्स देते हैं एसएसबी में, वी गिव मार्क्स। हम लोग ये नहीं डिसाइड नहीं करते पर्सनैलिटी को, वी आर गिविंग मार्क्स आउट ऑफ 900। ये कितने मार्क्स मिले आपको, कैसे कन्वर्ट करते हैं? भाई इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं आपका, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया उसको, ये एक बड़ी कला है। तो इसको बनाने के लिए हमारे इन साइंटिस्ट ने हमारा काम आसान कर दिया। चार फैक्टर बना दिए उन्होंने, फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री, फैक्टर फोर। और इन फोर फैक्टर्स को हमें अलग अलग तरीके से असर करने का मौका दिया गया। और जो टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं, हमारे तीन टेस्ट होते हैं। एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज अ पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन, जहाँ पर एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, आप उससे मिलते हैं, रूबरू होते हैं, वो आपको सामने बिठाता है करीबन 10 से 12 फीट की दूरी पर। वो भी इस कारण है, दूरी इसलिए बिठाता है, ये नहीं कि आप उसको पत्थर मार देंगे या डर लगता है उसको ना, भैया बच जाऊँगी अगर गलत सवाल पूछ लिया, कोई दादा आ गया टाइम तो मेरे को मार, नहीं ये बात नहीं है। बात 10 से 12 फीट दूर इसलिए बिठाते हैं ताकि आपकी पूरी बॉडी को जज कर सके, आपकी बॉडी लैंग्वेज को हम समझ सके, आपके पैर कैसे हिल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, देख कहाँ रहे हो, पूरी कंप्लीट बॉडी मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरव्यू में। यू बी सरप्राइज टू नो दैट 66% ऑफ आवर कम्युनिकेशन, 66% ऑफ कम्युनिकेशन इज डन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। 66, ओनली 34% हमारा वर्बल होता है। हमारे आंखों का इशारा, हमारे हाथ का इशारा, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे लेग मूवमेंट, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये चीज जज करने के लिए ट्रेन करते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, जो जज करता है, देखता है कि क्या है इस बंदे में। भाई उसको तो पता करना है कि नेगेटिव क्वालिटीज क्या आपके अंदर, आपके छुपाओ शैतान कौन सा है, मैं कैसे पता करूंगा? एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैसे पता करेगा आपको नेगेटिव क्या है? वो पूछेगा, ओए तो चोर है क्या? आप बोलोगे चोर है? क्यों भाई, आप तो एसएसबी के लिए गए, सिलेक्ट हो लिए, कोई बोले डाकू हो, चोर हो? नहीं सर, अरे मैं तो बड़ा सिंपल आदमी हूँ, हर पूरी दुनिया की जितनी लड़कियाँ वो मेरी माँ बहन की तरह से हैं, कुछ नहीं अपने बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा वो। लेकिन मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, मेरे को तो निकालना है कि असली में क्या है, छुपा हुआ शैतान कौन सा है इसके अंदर, तो कैसे निकालूँ बताओ, कैसे निकाल सकते? मुश्किल काम है कि नहीं मुश्किल काम है? या तो वर्दी पहन लूँ, मेरे बड़े बड़े सितारे यहाँ लगे हुए, और पहन लूँ, डरा दूँ आपको, टेल मी द ट्रुथ, आई बड़ी हिट यू, फौजी आप बताओगे? नहीं, ऐसे बढ़ जाते, नो सर, नो शी विल गो इन टू अ शेल, इट्स डिफिकल्ट। तो मेरे पास तरीका क्या है, कैसे पता करूं कि अंदर आपके अंदर छुपा हुआ शैतान कहाँ है, बताइए, कैन समवन गेस? एक तरीका है बस, वो तरीका है आपका दोस्त बन जाओ, आपका दोस्त बन जाओ।